तो ये है रिवोल्ट का इलेक्ट्रिक बाइक। तो जैसे ब्रेक लगाएंगे सर, उस हिसाब से वो दोनों को कैलकुलेशन करके इंस्टेंट गाड़ी रोकता है सर। इसको आप खींच के बाहर भी निकाल सकते हो, सेफ्टी फीचर जैसे ने एमसीपी दिया है। आज हम लोग आए हैं इंटीरियर 2022 इवेंट में, तो यहाँ पे और भी कार्स और बाइक का स्टॉल दिया गया है। एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोगों का फ्यूचर, जब पेट्रोल की बचत करना है तो हम लोगों को लेना चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक। तो ये है रिवोल्ट का इलेक्ट्रिक बाइक। एक बार इस बाइक का पूरा व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा फीचर्स हम लोगों को बता दीजिए। पहले बात तो सर, इस गाड़ी पे जो दिया गया है सर, CVS सिस्टम दिया गया है, साथ में इसमें आपको कंट्रोलर मिलता है। तो जैसे ब्रेक लगाएंगे सर, उस हिसाब से वो दोनों को कैलकुलेशन करके इंस्टेंट गाड़ी रोकता है सर, ठीक है, विदाउट चक्का स्पीड होगी। और साथ में इसमें आपको RPS भी दिया गया है ब्रेकिंग सिस्टम में, और सेफ्टी फीचर के साथ साथ आपको क्या है कि रिवर्स चार्जिंग भी होता है सर। RPS मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो क्या है जब जैसे ब्रेक लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके चार्ज होता रहेगा आपको गाड़ी पे, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चलने के लिए सर। इस गाड़ी में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपको सेफ्टी फीचर्स में एंटी लॉक सिस्टम दिया गया है, मतलब जैसे आप गाड़ी लॉकिंग करके रखेंगे ये गाड़ी का चक्का लॉक हो जाता है। साथ में क्या है कि उस टाइम अगर गाड़ी कोई ले जाने की कोशिश करेगा तो गाड़ी ले नहीं जा पाएगा कहीं पर। साथ में इस गाड़ी पे जियो फेंस लगा हुआ है, तो जियो फेंस के साथ आपको मतलब ऑन टाइम ऑन स्पॉट लोकेशन चेक कर पाएंगे। साथ में इसमें रेडिएशन भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर आपसे गाड़ी मांगता है तो क्या है कि उस टाइम गाड़ी आप जब ले रहे सर मतलब आपसे, तो बोला है कि 2 किलोमीटर जाना है उनको, तो 2 किलोमीटर बोलते हैं, कभी कभी होता है कि कोई मतलब 2 से ज़्यादा लेकर चल जाता है, तो रेडिएशन चेक कर देंगे। तो रेडिएशन जैसे बाहर जाएगा गाड़ी वहीं पर बंद हो जाता है। ये सब फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, और भी बहुत सारा छोटा मोटा फीचर्स है, ठीक है, जो आपको सेफ्टी के लिए आता है। इसका चार्जिंग टाइम कितना लगता है? इसका चार्जिंग 0 से अगर 100% करते हैं तो आपको 4.5 घंटे लगता है सर। 4.5 घंटे अगर 100% कर ले तो कितना किलोमीटर चलेगा सर? अगर 0 से 100% करते हैं तो कंपनी बोले सर एक चार्ज में आपको 150 किलोमीटर मिलता है सर। 150 एकदम सर, ये काफ़ी अच्छा है। तो बैटरी तो यहाँ से खुलता है ना, यहाँ से खोल के बैटरी चार्ज में बिठा दो, या फिर बाइक में बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं आराम से। तो बैटरी का कंपार्टमेंट अभी खोल के दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखो काफ़ी जगह है यहाँ पर। ये बैटरी है, इसको आप खींच के बाहर भी निकाल सकते हो। सेफ्टी फीचर्स जैसे ने MCP दिया है, जो भी कोनो समय इनिशियल कोनो प्रॉब्लम हो गया बाकी जो ऑटोमेटिक डाउन हो गया, तो सेफ्टी के लिए देखिए MCP दिया गया है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इशू हुआ तो चलो ये बंद कर देगा अपने आप ही। तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेन आता है कि इलेक्ट्रिक बाइक में साउंड नहीं होता है, पर इस बाइक में साउंड इनबिल्ट दिया गया है, जिसमें आपको थ्रॉटल प्रेस करने पर बिल्कुल एक सुपर बाइक की तरह आवाज़ है, पर आवाज़ अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। सो भाई लोग देखो, यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। तो अगर इस बाइक के बारे में डिटेल आपको जानना है तो आप रिवोल्ट का शोरूम विजिट कर लीजिए, तो वहाँ पे जाके आपको ये गाड़ी देखने को भी मिल जाएगा, टेस्ट ड्राइव को भी मिल जाएगा, और आपको ठीक से फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप लोगों का शोरूम कहाँ पे है? सर हम लोगों का शोरूम जो है मिंटो पार्क बिलबागन मोड पे, मिंटो पार्क बिलबागन मोड, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत है तो क्या सुनाई दे रहा है आप लोगों को मुझे भी नहीं पता, आप मेरा नंबर ले लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, स्क्रीन पे तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर ले रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप नंबर मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर लिख लीजिए 7003657436, ये मेरा नंबर है। उसको थोड़ा जब भी अगर किसी को भी लेना है तो मुझको कॉल कीजिए इस नंबर पर, अगर नहीं कॉल उठा पाते हो तो अगर साइड में बिजी रहता हूँ तो व्हाट्सअप कर दीजिए आराम से, व्हाट्सअप या मैसेज भेज दीजिए, मतलब दिन
के दिन में ही आपको डिप्लॉय मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो भाई लोग यहाँ पे अपना मतलब का जो चीज़ था वो तो हम लोगों ने देख लिया है और आप लोगों को भी दिखाया, तो अब बारी है यहाँ से घर जाने का, क्योंकि हम लोगों का काम अभी हो गया है ख़त्म। तो चलो अभी मैंने तो रुक अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ से अभी घर हम लोगों को बस पे जाना पड़ेगा। महीने में बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये सब एग्जीबिशन पे आने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है यार। यार मैं फोटोग्राफी का हम लोग ना एक एक काउंटर पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके इंटीरियर जो डेकोरेशन वाला सामान है वो देख के ना यार क्या बोलूँ, ऐसा सोच ऐसा लग रहा है कि भाई वो सेट को ना उठा के घर लेके जाओ। तो ये देखिए पीछे है, ये भी इंटीरियर का है भाई, ये देख के तो आपको लगेगा ही ना इसको भाई लेके घर चले जाओ, पर उसके लिए तो पैसा लगेगा पैसा। तो चलो अभी चलते हैं घर, क्योंकि अभी मुझे बस पकड़ के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक तो अपने पास नहीं है, क्योंकि बाइक पेंट पे दिया गया है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड गुड बाय।